हाय फ्रेंड्स, आज मैं प्रतापगढ़ के खेतों के बीच में आई हूँ और यहाँ पे मुझे मेरे ड्राइवर भैया ने बताया कि यहाँ ये सरसों की क्या फलियाँ हैं, ये सरसों की फलियाँ हैं और जो हम सरसों के दाने खाते हैं वो खाते हैं, मतलब राई, वो इसमें ये देखिए आपको देख पा रहे हैं आप, ये मस्टर्ड ऑयल, ये राई के दाने हैं, सरसों के दाने जो कि ब्लैक हो जाते हैं और हम तड़के में यूज़ करते हैं। ये जो सरसों मैंने आपको दिखाई इसका दाना पीला है और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सरसों लग रही है इसका काला दाना निकलेगा, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए अभी तो ये इसके अंदर है, ये देखिए दोस्तों, ये अभी जो सरसों का दाना है ग्रीन है, इसको निकाल करके कुछ समय रखा जाता है तो ये ब्लैक हो जाएगा और जो राई हम घर में तड़के में यूज़ करते हैं ये उसके पौधे हैं। वाओ, ये उसका खेत है पूरा, देखिए अमेजिंग। और ये मुझे मटर का भी पेड़ दिखा है, ये मटर लग रही है, वाओ मटर बीज है ये, हमने तोड़ी है ताज़ी मटर, वाओ ये देखिए बड़े प्यारे खेत हैं ढेर सारे। हाय दोस्तों, मैं आपको आज मटर का खेत दिखा रही हूँ। ये एक बीघा सवा बीघा लैंड है जिसमें जो हमारे भाई हैं इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने 20 किलो मटर के दाने इसमें बोए और उससे 35 क्विंटल फसल इन्होंने पाई है, इतनी मेहनत की है। और पूरी सर्दी जितना अच्छा मीठा मटर हम लोग शहरों में रह के इंजॉय करते हैं इस तरह से वो उगाया जाता है और इतनी मेहनत उसमें जाती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आलू का खेत दिख रहा है, ये क्यारियाँ बनी हुई हैं और जो उठा उठा सा एरिया दिख रहा है उसके अंदर आलू अंदर उग रहा है अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको आलू का खेत दिखाया था, ये एक दूसरा खेत है जिसमें यहाँ से आलू निकाल लिए गए हैं और यहाँ पे सारे आलू इन लोगों ने इकट्ठे कर लिए हैं, सारी लेडीज़ और घर के लोग मिल करके ये काम कर रहे हैं। ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये 22.5 क्विंटल आलू है जो इस 7 बिस्सा खेत से निकला है। यहाँ पे गेहूं की बालियां लग गई है, गेहूं आने वाला है, ये देखिए अभी नन्हे नन्ही बालियां हैं, प्यारी लग रही है। आज अपने गंतव्य की ओर जाते हुए जब मुझे इन खेतों में ये मटर आलू सरसों ये सारी उपज दिखी तो मुझे बहुत उत्साहित कर दिया इन्होंने ये वीडियो बनाने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।